नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज टीवी खबरों की पड़ताल। आपके साथ मैं हूं अंशु। चलिए खबरों का रुख करते हैं। जिस एम्बुलेंस को देखते ही लोग रास्ता छोड़कर साइड में हो जाते हैं, उसी एम्बुलेंस का इस्तेमाल आजकल शराब माफिया बिहार में शराब तस्करी के लिए कर रहे हैं। एक तरफ शराब माफिया पुलिस की चेकिंग से बचने के लिए एम्बुलेंस का सहारा ले रहे हैं, ताकि पुलिस को चकमा देकर शराब की खेप आसानी से बिना किसी रुकावट के पहुंचा सके। वहीं दूसरी तरफ कहीं रुकावट आए तो हूटर का इस्तेमाल करके भीड़ से आसानी से निकला जा सके। किशनगंज जिले के बहादुरगंज थाने में जहां पुलिस ने LRP चौक से समीप एक एम्बुलेंस में छापेमारी कर 270 लीटर शराब के साथ दो शराब माफियाओं को रंगे हाथ धर दबोचा। पुलिस को चकमा देने के लिए बंगाल के दालकोला से शराब की खेप एम्बुलेंस में छिपा कर किशनगंज के रास्ते मधेपुरा ले जा रहे थे की गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने वाहन जांच अभियान चलाकर एम्बुलेंस में छापेमारी कर शराब की बोतलों के साथ दोनों शराब माफियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोनों गिरफ्तार तस्कर सुपौल के निर्मली थाना क्षेत्र के बलुआ बाजार के निवासी रवि प्रकाश और मधेपुरा जिला के कुमारखंड थाना क्षेत्र के सोनू कुमार है। पुलिस ने गिरफ्तार दोनों शराब माफियाओं से पूछताछ में और भी कई राज उगलवाए हैं। मामले की जानकारी देते हुए अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अनवर जावेद ने कहा कि वाहन जांच के दौरान एम्बुलेंस की तलाशी ली गई तो विभिन्न ब्रांड की शराब की खेप बरामद हुई। उन्होंने कहा कि जब्त एम्बुलेंस में सिटी हॉस्पिटल पटना का लोगो लगा हुआ था, जिसकी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार दोनों तस्कर पर उत्पाद अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जेल भेजा गया है। यहाँ पे अवैध शराब के विरुद्ध लगातार कार्रवाई चल रही है। पुलिस अधीक्षक किशनगंज को एक गुप्त सूचना मिली थी कि एम्बुलेंस में अवैध रूप से विदेशी शराब का परिवहन किया जा रहा है, और उसके संबंध में हम लोगों ने जगह जगह जांच पड़ताल भी करना वाहनों का शुरू कर दिया था। इसी क्रम में जो है कि एक एम्बुलेंस जिसका नंबर BR01PG2099 एम्बुलेंस, जिस पर सिटी हॉस्पिटल पटना लिखा हुआ था, उसको हम लोगों ने पीछा किया और अंततः वो LRP चौक बहादुरगंज में उसको हम लोगों ने पकड़ा। और एम्बुलेंस था, उसके अंदर जो है कि विदेशी शराब लगभग 32 कार्टून 270 लीटर बरामद किया गया। उसके साथ एक रवि प्रकाश और एक सोनू कुमार नाम का दो शराब माफिया को हम लोगों ने पकड़ा है। उनसे पूछताछ में उन्होंने इसमें संलिप्त और लोगों के बारे में विस्तृत रूप से बताया है। पूछताछ में ही बताया कि वो लोग ये सामान अवैध रूप से शराब जो है कि दालकोला से मधेपुरा के लिए लेके जा रहे थे, और मंगाने वाले का भी उन लोगों ने नाम बताया। इसमें शामिल जो जो लोग हैं उन लोगों के बारे में विस्तृत रूप से नाम बताए हैं, और इसमें पुलिस अग्रतर कार्रवाई कर रही है।